अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आप देख सकते हैं कि क्या है आपके सामने। मैंगो का सीज़न हो और आइसक्रीम ना हो तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो आज हमने बनाई है ये मैंगो आइसक्रीम, इसको मैं आपको फ़िलहाल तो मैंने सर्व की हुई है, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। और इसको मैं देखिए आप कितनी ये सॉफ्ट बनी है, कितनी सॉफ्ट, कितनी अच्छी आइसक्रीम बनी है। देखिए ये देखें तो इसको मैं आपकी सर्विंग दिखाती हूँ आपको। मैं इसको ये देखें और इस आइसक्रीम को, ये इतनी इजी और इतनी सुपर इजी आइसक्रीम है कि अगर आप चाहें तो बहुत जल्दी ये बन जाती है। और फ्रीजिंग टाइम इसका जो है वो 4 आवर्स को इसको हाफ फ्रीज करके फिर 8 आवर्स, तो बहुत ज़बरदस्त बनती है। ये देखें, इसके अंदर मैंने चंक्स भी ऐड किए हैं मैंगो के और इसको मैं ट्राई कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आइसक्रीम है। ये आइसक्रीम में कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं है, कोई फूड कलर नहीं है, कोई एसेंस नहीं है, ना मैंगो एसेंस है ना वैनिला एसेंस है। तो इसकी रेसिपी फुल देखने के लिए आपको पूरी वीडियो मेरी देखनी है। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको मेरी रेसिपीज फौरन से मिले। तो आइए एक टाइटल ब्रेक के बाद इसकी रेसिपी फुल देखते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स, आइए अब हम अपनी मैंगो आइसक्रीम की तैयारी देखते हैं। ये 3 इंग्रेडिएंट मैंगो आइसक्रीम है, इसमें कोई फूड कलर नहीं है, कोई एसेंस नहीं है। बहुत सिंपल ये रेसिपी है, मैंगो क्रीम और कंडेंस मिल्क से ये आइसक्रीम बनेगी। तो इसके अंदर मैंने जो मैंगो लिए हैं वो 1 किलो मैंगो, मतलब इस तरह से 1 किलो नहीं, 1 किलो मैंगो का पल्प जो है वो आपको लेना होगा। 1 किलो मैंगो का मैंने पल्प लिया, मतलब पल्प को मैंने ये जैसे 1.5 किलो मैंगो लेंगे आप तो ये मैंने 6 बड़े बड़े मैंगो लिए थे और उसको मैंने इसका पल्प निकाला और वेट किया तो ये पूरा 1 किलो और 10 ग्राम्स ऊपर है। इसके अलावा इसमें जो क्रीम डलेगी वो है 500 ग्राम्स व्हिपिंग क्रीम। इसका ये रेशो होता है, अगर 1 किलो पल्प है तो 1/2 kg क्रीम जाएगी और हाफ जो है वो डब्बा जो है वो कोमेल का जाता है या कंडेंस मिल्क, मैंने ये वाला यूज़ किया है। इसका मैंने हाफ टिन मैंने यूज़ किया है, ये लगभग 180 ग्राम्स है। तो आइए हम देखते हैं कि हम इसको कैसे आगे प्रोसेस करेंगे, किस तरह हम ये आइसक्रीम बनाएंगे। बहुत क्विक और बहुत जल्दी बन जाती है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस मैंगो प्योरी में ये हमारा कंडेंस मिल्क मिला देंगे। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अब हमारा अगला प्रोसेस होगा क्रीम की मिक्सिंग। क्रीम को बीट करना है हमें, तो इसको मैं फ्रीजर में रख रही हूँ और मैं आपको क्रीम बीट करके दिखाती हूँ। आइए देखते हैं। हम अभी क्रीम, व्हिपिंग क्रीम मैंने ली है, इसको इसके बॉक्स को खोलने के लिए सिंपल है। आप इसको ये इस तरह से करेंगे और यहाँ से इसको आप ये देखें, ये आपका खुल गया पूरा क्रीम का बॉक्स। और ये हमें 1/2 kg यूज़ करना है तो मैं पूरा क्रीम इसमें ऐड कर दूंगी। पूरा 1/2 kg क्रीम इसमें मैंने ऐड कर लिया। अब देखिए बिल्कुल चिल्ड व्हिपिंग क्रीम है और ये थोड़े थोड़े से इसमें चंक्स भी हैं तो कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है। अभी हम इसको बीट करेंगे और हमें इसमें सॉफ्ट पीक्स चाहिए, स्टिफ पीक्स नहीं चाहिए। तो पहले हम लो स्पीड से शुरू करेंगे। अब देखिए इसको बीट करते हुए मुझे 2 to 3 minutes हो गए हैं लेकिन ये पीक्स फॉर्म नहीं हुई है, अभी ये ड्रिप हो रहा है। तो इसका मतलब कि हमें इसको और ज्यादा बीट करना है लेकिन हमें स्टिफ पीक्स नहीं, सॉफ्ट पीक्स फॉर्म चाहिए। तो आप देखिए हमें इसको और ज्यादा बीट करना पड़ेगा। पहले मैं लो स्पीड पे कर रही थी, अब मैं इसको फुल स्पीड पे करूंगी।
देखें, पीक्स फॉर्म हो लेकिन वो गिरे नहीं। तो अभी थोड़ा सा और बाकी है। अब देखें इसको चेक करते हैं, अभी सॉफ्ट पीक्स फॉर्म हो गई है, बिल्कुल सॉफ्ट है। क्रीम में जो हम केक में आइसिंग करते हैं वो इससे भी ज्यादा स्टिफ होती है। तो ये देखिए आराम से, ये अगर इस तरह करेंगे तो गिरेगी, लेकिन अगर जो क्रीम हम लोग आइसिंग में लगाते हैं केक में वो गिरती नहीं है। तो ये हमारी सॉफ्ट पीक्स फॉर्म हो गई है। अब हम इसमें आगे का प्रोसेस देखते हैं। ये देखिए अगर आप स्पैटुला से भी ले रहे हैं तो ये आपकी पीक्स इस तरह गिरेंगी। तो ये आपकी क्रीम बिल्कुल रेडी है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें मैंगो प्यूरी को ग्रेजुअली ऐड करेंगे। मैंगो प्यूरी को मैंने थोड़े बड़े बर्तन में ले लिया है। हम मैंगो में क्रीम को ऐड करेंगे। क्रीम में मैंगो हुआ ना वो बहुत ज़्यादा स्टिफ होने का डर होगा, तो हम ग्रेजुअली इसके अंदर क्रीम ऐड करते जाएंगे। जैसे 2 serving spoon मैंने ऐड किया और मैं इसको मिक्स करती जाऊंगी मीटर से ही लो स्पीड। इसको मैं वक्फे वक्फे से ऐड करूंगी। जब ये इसमें क्रीम का जो बोल है मेरा वो बड़ा है, जब इसमें हाफ मिक्सिंग हो जाएगी तो मैं सारा मिक्सचर उसमें ट्रांसफर करके फिर उसमें मिक्सिंग करूंगी। अब मैं ये सारा मिक्सचर मैंने बड़े बोल में ऐड कर लिया क्योंकि ज्यादा हो रहा था। अब मैं इसको एक दफा अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। आइसक्रीम का मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो गया है। अब देखिए इसमें मैंने बिल्कुल कोई येलो कलर नहीं डाला, कोई फूड कलर नहीं है, कोई फ्लेवर नहीं है, ना मैंने मैंगो एसेंस डाला है और ना मैंने वेनिला एसेंस डाला है इसमें। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमारे पास आइसक्रीम मशीन तो नहीं है, तो इसको ताकि ये जो इसमें क्रिस्टल्स ना आए, तो हम इसको पहले ना 4 घंटे के लिए फ्रीजर में रखेंगे ताकि ये सेमी सॉलिड हो जाए। जब ये सेमी सॉलिड हो जाएगी इसके बाद हम इसको जो बॉक्सेस हैं आइसक्रीम बॉक्स है उसमें मैं डालूंगी। आप कोई भी प्लास्टिक के बॉक्स ले लें, मैं इन बॉक्सेस में डालने वाली हूँ। देखें मेरे पास ये आइसक्रीम बॉक्स पड़े हुए हैं, ये भी है और मेरे पास सिंपल ये वाली जो आइसक्रीम का बॉक्स आता है, कोई भी बॉक्स आप ले लें, 2 बॉक्स ये भर जाएंगे। तो आप नॉर्मल प्लास्टिक के बॉक्स जो होते हैं, डिस्पोजेबल बॉक्स होते हैं, वो भी ले सकते हैं, और या फिर आप टिन के केक के टिन में भी आप इसको फ्रीज करने रख सकते हैं। अब मैं इसको जो है वो एज इट इज फ्रीज करने रखूंगी 4 आवर्स के लिए और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें क्या प्रोसेस करना है। ये देखें व्यूअर्स, इसको 4 घंटे हो गए हैं और मैं आपको ये बताना भूल गई थी कि जब आप इसको फ्रीजर में रखें तो स्लिंग रैप या कोई भी प्लास्टिक लगा के रखें ताकि इसमें क्रिस्टल्स ना जमे। तो मैंने इस पर ये सर प्लास्टिक लगा दिया था, मैं इसको हटा रही हूँ। देखें अब हम क्या करेंगे कि इसको देखें ये कितना अच्छे से सेमी सॉलिड हो गई है। देखिए ये जम रही है, इस तरह से जमी हुई है लेकिन ये फुल नहीं जमी है, सेमी सॉलिड है, ठीक है ना। तो अब इसको हम एक दफ़ा चला देंगे, साइड साइड से जम गई है, कहीं से जमी है कहीं से नहीं जमी है। देखें इस तरह चंक्स निकल रहे हैं इसके, स्पून से भी दिखाती हूँ। देखें अगर ऊपर से ये बिल्कुल अच्छे से जम चुकी है, बहुत अच्छे से इसके चंक्स निकले। लेकिन अभी हमको इसको क्या करना है कि एक चर्न देना है, इसको चर्न देना बहुत ज़रूरी है ताकि इसमें क्रिस्टल्स ना आए। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको पूरे को मैं अच्छे से एक दफ़ा मिला दूँगी, पूरा ऊपर नीचे अच्छे से इसको मैं मिक्स कर दूँ। देखिए इसको इतना ऐसे करके मिक्स हो जाना चाहिए ये, ठीक है ना, कस्टर्ड की तरह लगेगा ये पूरा, बिल्कुल अच्छे से ये मिक्स हो चुका है, ठीक है। बीटर से भी आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं समझती हूँ कि बीटर से ज़्यादा अच्छा है कि हम इसको हैंड विस्क से करें। बीटर से अगर आप करना चाहें तो आप बिल्कुल लो स्पीड पर करें। तो अब हम इसको जो है इसके बॉक्स बनेंगे, अब मैं इसमें इसको भरूंगी।
ये पूरा मैंने फिल कर लिया है। अब मैं इस पर जो है वो प्लास्टिक शीट लगाऊंगी। ये देखें, इस पर मैंने प्लास्टिक शीट लगा दी है। अब मैं इसको बंद कर दूंगी और इसको मैं फ्रीजर में रखूंगी। ये हमारा एक बॉक्स तैयार हो गया। ये देखें व्यूअर्स, इसको मैंने ओवरनाइट फ्रीज कर दिया था। अब मैं आपको इसको सर्व करके दिखा रही हूँ। ये प्लास्टिक मैं इसमें रिमूव कर दूंगी। अब हम इसको जो है सर्व करेंगे एक बोल में। देखिए आप, इसका टेक्सचर देख सकते हैं कितना अच्छा आ रहा है। इसको इसमें सर्व कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा ये यमी लग रही है और इतनी अच्छी ये मतलब सॉफ्ट आइसक्रीम बनी है। थोड़े से ये मैंगोज मैंने इसको डाइस कर लिया था। प्यारी ये लग रही है। कोई इसमें देखें आर्टिफिशियल फ्लेवर कुछ नहीं डला हुआ। इसको हम थोड़ा सा ये गार्निश करेंगे। प्यारी लग रही है और इतनी ये जबरदस्त इसका जो लुक आ रहा है, इसके जो टेक्सचर का ना, तो आपको मैं बयान ही नहीं कर सकती। तो ये हमारी आइसक्रीम रेडी है। मैं इसको आपको एक बाइट निकाल के भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितना सॉफ्ट, कितना क्रीमी है ना। तो बस आइसक्रीम हमारी रेडी है। मेरी आइसक्रीम ये वाली आप ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत जल्दी, बहुत क्विक रेसिपी है। ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और मेरी रेसिपी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए ताकि आपको मेरी रेसिपीज़ फ़ौरन से मिलें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।